हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस चैप्टर की और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उनको चेक कर सकते हो और बहुत अच्छे से आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस कर सकते हो। माइनस कॉस ए के मल्टीप्लाई में 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए बराबर 2 प्रूफ करना है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री की एक खास बात है, पता क्या खास बात ये है कि आप क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में कोई नया क्वेश्चन आ जाए, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी नया क्वेश्चन आ जाए साइन कॉस में चेंज कर देना। अगर आपको लगता है कि हमें ये जाना पहचाना क्वेश्चन नहीं लग रहा है, कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो साइन कॉस सबसे बढ़िया। साइन कॉस आपका ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में हम साइन कॉस में चेंज करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, साइन कॉस में चेंज कर देंगे। तो कैसे करेंगे जरा बताते हैं आपको। तो 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉस ए के है और 1 प्लस टेन ए प्लस का सेक ए है यहाँ पे, तो जरा साइन कॉस में चेंज हो जाए, ठीक है। चलो करते हैं। तो 1 प्लस कॉट क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए क्या है 1 अपॉन साइन ए, क्या बात है, यहाँ पे भी कर दो। टेन ए क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए, सेक क्या है 1 अपॉन कॉस ए, कर दिया चेंज भाई हमने। अब हमें बचपन से एक चीज सिखाई गई है कि डिवाइड में कुछ लिखा है तो इनका एलसीएम ले लीजिए, क्या ले लीजिए एलसीएम ले लो। तो इसमें हम एलसीएम ले लेंगे साइन ए, तो ये साइन ए यहां पहुंच जाएगा, तो साइन ए प्लस का ये कॉस ए है यहाँ पे और ये माइनस का वन है, ये स्टम में आ गया। इस वाले ब्रैकेट में यहाँ पे कॉस ए अगर एलसीएम ले लिया जाए तो ये कॉस ए इधर पहुंच जाएगा, तो ये कॉस ए प्लस का साइन ए प्लस का वन आ जाएगा और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान से देखो, ये साइन ए प्लस कॉस ए है, ये भी तो साइन ए प्लस कॉस ए है, चलो एक जैसा पहले लिख लेते हैं। तो ये साइन ए प्लस कॉस ए एक टर्म हो गया और ये माइनस का वन अलग कर लिया अपॉन साइन ए है। सेम इस ब्रैकेट में भी साइन ए प्लस कॉस ए को अगर पहले लिख लिया जाए, साइन ए प्लस कॉस ए माइनस का वन अपॉन नीचे क्या है कॉस ए, एक ही बात है, ध्यान से देखो। ये तो साइन ए प्लस कॉस ए है ही हमारा, यहां पे भी मैंने कॉस ए प्लस साइन ए को क्या करा, साइन ए प्लस कॉस ए लिख लिया है। क्या ये कोई आइडेंटिटी बन रही, ध्यान से देखो, ए माइनस बी, ए सॉरी इधर प्लस था, सॉरी यहां प्लस है, ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या ये कोई आइडेंटिटी बन रही है, यस और नो, क्या ये आइडेंटिटी बन रही है यहां पे, कौन सी आइडेंटिटी, बचपन में सीखी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कौन सी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की हमारी आइडेंटिटी बन रही है। तो अगर हम यहां पे आइडेंटिटी अप्लाई कर दें ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए का स्क्वायर यानी साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर हो गया, माइनस बी का स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या होगा साइन ए कॉस ए, नीचे क्या होगा साइन ए कॉस ए। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, फिर से ध्यान से सुनो, ध्यान से सुन लो सारे बच्चे, ध्यान से सुनो, ये ए है ये माइनस का बी है, ये ए है प्लस का बी है, ए माइनस बी ए प्लस बी होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो भैया ए प्लस बी का जरा होल स्क्वायर लगा दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए प्लस का टू साइन ए कॉस ए प्लस का टू साइन ए कॉस ए, और ये वन का स्क्वायर क्या होता है माइनस का वन अपॉन अपॉन में साइन ए इंटू कॉस ए, अपॉन में साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। अच्छा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बचपन से सीखा है वन होता है, तो ये तो वन हो गया और ये टू साइन ए कॉस ए है और ये माइनस का वन है अपॉन में साइन ए कॉस ए है, तो माइनस वन से प्लस वन कट गया, माइनस वन से प्लस वन कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या बचा आपका टू साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए, तो कॉस ए का साइन ए कट गया, तो क्या आंसर टू के बराबर आ गया, किस 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 का प्रूफ हो गया, टू आंसर आ गया, आ गया सबको समझ में, टू हमारा आंसर आ गया, क्या बात है, ठीक है, क्या आपको समझ में आया। तो यहाँ पे सिंपल क्या किया गया, एक तो ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होल स्क्वायर ओपन करो, ये वन होता है, वन से ये कट जाएगा, टू साइन ए अपॉन साइन ए कॉस ए, ये कट गया टू आंसर। डाउट क्लियर हो गया तो आप लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं।